जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भवानी। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस मंत्र के साथ। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरण मान संतुष्टाय, महाभय निवारणाय, महाज्ञान प्रदाय, चदानंदान्वय बालो मत प्रजामिनाय, महाज्योनि निवृत्ताय, अनसूय नर वदनाता त्रिपुत्रा सर्वकामभवना, ओम भवन विधि ह्रीम सकल सकल विभूति क्रोह साध करना सुर महौन चरंजीव ने वसट वसी गुरु वसट आकर साकर हूम विद्य विद्य फट चढ़ ठ ठ स्तंभ स्तंभ ख ख मारे मारे नम संपन्ना नम संपन्ना स्वाहा पूज पूज पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र रिछिन रिछिन ग्रहण निवारे निवारे व्याधि निवारे निवारे दुखम हरे हरे दारिद्रम विद्रावे विद्रावे देहम पोष पूज चित्तम तोष तोष सर्व मंत्र सर्व यंत्र सर्व तंत्र सर्व पल्लव स्वरूप ओम नमः शिवाय। जी मित्रों, दत्तात्रेय महाराज का मंत्र है। इसका विधान और इस मंत्र को कभी बाद में दूंगा। बहुत लंबा माला मंत्र कहलाता है। ये वशीकरण को भी कर सकता है, वशीकरण को काट भी सकता है, तंत्र कर भी सकता है, तंत्र को काट भी सकता है, मारण कर भी सकता है, मारण को काट भी सकता है। बस उसमें विधान बदल जाएगा। ये हर चीज़ में काम आता है, ये व्यापार में, जॉब में, नौकरी में। लेकिन ये इसका विधान बहुत वो है और इस मंत्र को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। इसके विधान को नहीं तो तत्काल सर्वनाश कर हो जाता है, क्योंकि ये बड़े मंत्रों में ये होता है, माला मंत्र होते हैं, इनमें बहुत सावधानी होती है और एक विधान के संग जप होता है। तो मित्रों, आज मैं आपको दूंगा थोड़ी सी ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी आता है ना, वो सम्मोहन की परेशानी से आता है, वशीकरण की परेशानी, सम्मोहन की। किसी ने हमारे ऊपर, मतलब हमारे घर में किसी परिवार पर किसी सदस्य पर सम्मोहन कर दिया वगैरह वगैरह। हमारे पति को किसी ने वशीकरण करके अपने बस में कर लिया है। इस तरह के बहुत आते हैं। हमारे बेटे को कर लिया, हमारी बेटी को बस में कर लिया है। तो मित्रों, मैं इसके लिए हर सम्मोहन को काटने की एक थोड़ी सी विधि देने वाला हूँ। वो हर प्रकार के सम्मोहन को काट देगी। सबसे खतरनाक जो वशीकरण शक्ति होती है, मोहिनी विद्या, वो बंगाल की होती है, कामाख्या और बंगाल। कामाख्या की मोहिनी तक जबरदस्त होती है, और ऐसी बंगाल का वशीकरण का जादू जबरदस्त होता है, बंगाल का काला जादू। क्योंकि वो ऐसा होता है कि यहाँ समझ लीजिए भयंकर वाला। अब आप कोई घटना बताऊँ। गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ। तो उनको भी एक जादूगरनी ने अपने वश में कर लिया था, समझ लीजिए आप। अपने उसमें मोहपास में बांध लिया था अपने मंत्र विद्या द्वारा। मतलब गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो कि तंत्र विद्या के उस्ताद, सावर विद्या के उस्ताद कहे जाते थे। लेकिन फिर जब गोरखनाथ को जब अपनी उसकी दिव्य दृष्टि से, अपने मतलब अपनी शक्ति से मालूम हुआ, अपने अंतर्ज्ञान से, कि मेरे गुरु को तो वशीकरण द्वारा बंधक बना लिया गया है या बस में मोह लिया गया है, तो गुरु गोरखनाथ ने पता लगाया कहाँ पर है वो। फिर वहाँ पहुँचे और दूर से ही उन्होंने चिल्ला के कहा, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। तीन बार ऐसा कहा उन्होंने। तीन बार कहने के साथ ही मच्छिंद्र नाथ को अपने आपे में आना पड़ा, मतलब होश में आ गए। वो होश में इसलिए आ गए मित्रों के ये भाई मतलब गोरखनाथ उनके शिष्य से निकला हुआ, वो बाकी वो सम्मोहन को काटने वाला हुआ। अच्छा, तो अब ये इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो जाग मच्छिंद्र गोरख आया जी है ना, ये एक सम्मोहन काटने की क्रिया भी है। क्योंकि श्री रमाकांत शुक्ला एक थे, हमारे एक जानकार, तो बहुत पुराने जानकार थे, बुजुर्ग वो तब हो गए थे, तब मुझे हमारी जानकारी हुई थी उनसे। तो उन्होंने अपनी एक किताब छाप, उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, बुकें हैं, उनकी नाम नहीं मालूम है। कई तो तंत्र विद्या पर ही, सावर विद्या पर आधारित है। तो उन्होंने मुझे बताया था, मनोज जी, कि इस मंत्र को, ये एक शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा मंत्र है, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। अगर कोई किसी सम्मोहन वशीकरण में है तो इस मंत्र को तीन बार पढ़ के उसके ऊपर से जायफल लेकर के या नींबू लेकर के सात या इक्कीस बार उतारिए इसी मंत्र को पढ़ते हुए। जाग मच्छिंद्र गोरख आया। तो वो अपनी सम्मोहन की निंद्रा से, मतलब सम्मोहन की नींद से जाग जाता है। वो उसको होश आने लग जाता, चेतना आने लग जाती है, वो सम्मोहन की चीज़ को मतलब दूर करने लग जाता अपने आप से। तो ये एक रहस्यमयी वो चीज़ बताई उन्होंने, और ये चीज़ किताबों में कईयों में लिखी भी हुई है कि एक ऐसा एक छोटा सा एक शब्द ही मंत्र बन गया उस समय के बाद।
गोरखनाथ बाबा के मुंह से क्या निकला वो शब्द ही मंत्र बन गया। कई वो तो सिद्ध थे, सिद्धों के सिद्ध थे बाबा गोरखनाथ। तो भाई उनको तो मैं भी बहुत मानता हूँ, सही बताऊँ तो बाबा गोरखनाथ, गोगा जहारवीर, जहारवीर बाबा महाराज, रामदेव पीर, बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो बहुत अच्छे वो हुए हैं। तो इन इनकी बहुत ताकतें चलती हैं भाई। और मैं आपको अभी तो नहीं दे रहा, मैं कल परसों के वीडियो में बाबा बुलाकी की मैं वो दूंगा, बावन डोरी की पूरी जानकारी दूंगा। बावन डोर के देवता हैं ये, ढाके बीर बंगाल से इनका काफ़ी संबंध रहा है। मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में जो मैंने अब तक इतने सालों के अध्ययन में मैंने जानकारी धीरे धीरे लोगों से मिल के। इनका तंत्र काटना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शनि का भी इनमें अंश है, तो भाई इसलिए मैं इनकी बताऊँगा क्योंकि इनकी साथ इनका किसी पर प्रयोग हो गया है तो उसको काटना मुश्किल हो जाता है। और इनका प्रयोग ज़्यादातर दूर से कम होता है, खिलाने पिलाने से ज़्यादा होता है, ये बात और समझ लें आप। जी भी देखा गया है अनुभव में, खिलाने पिलाने से तुरंत इनका प्रयोग हो जाता है, बाकी दूर से थोड़ा देर लगती है। तो मैं आज बसीकरण काटने का कुछ प्रयोग देने जा रहा था, मित्रों आपको बताने जा रहा था। तो देखिए मित्रों, बसीकरण का तो ऐसा है मित्रों, मैं आपको बता दूँ, आपके मन के ऊपर भी होता है, आपके मन की शक्ति कितनी है। तो एक उसका एक काटने का एक मंत्र, एक प्रयोग ये बता रहा हूँ मैं। किसी भी माता रानी के मंदिर में जाएं जहाँ काली माता विराजमान हो, ठीक है, काली माता की वही पूजा करें, एक लड्डू लगाएं और एक धूप बत्ती लगाएं, एक दीपक अर्पित करें, ठीक है, दीपक जलाएं और 100 101 माला या 54 बार एक माला या 3 माला एक माला 54 माला या 3 माला काली मंत्र का जाप करना, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः, इसका करना है। और इसको करने के बाद एक अच्छा गुलाब का फूल अर्पित करें माता रानी को, ठीक है साहब। लड्डू का मैंने आपको बता ही दिया है, लड्डू लगाना है, ठीक है, गुलाब का फूल अर्पित करें। और गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, छोटी छोटी 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, वही वाले गुलाब की जो अर्पित किया है आपने, उसमें से लेकर के उसमें वो मंत्र पड़ा हुआ है। तो उसके बाद आप फूंक मार लें और उसको जिस पे आपको लगता है सम्मोहन का शिकार व्यक्ति है काले जादू का, वशीकरण का, और उसको खिला दें तो उसका वो उसी समय से कटने लग जाएगा। अब दूसरा प्रयोग, प्रयोग नंबर 2, एक नींबू लें बिल्कुल साफ सुथरा बेदाग और सूखा हुआ नहीं हो, ना ज़्यादा पीला हो ना ज़्यादा हरा हो, बीज का नींबू बिल्कुल साफ, ठीक है साहब। और उस नींबू को लेकर के व्यक्ति जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिस पे भी लगता है आपको किसी ने इस पे जादू किया या फिर पे भस्मीकरण का तगड़ा प्रयोग किया, तो उसके ऊपर से उसको 21 बार उतारें, पूरा घड़ी जैसे घड़ी की तरह से उतारें, जैसे घड़ी उतार घड़ी चलती है उस तरह से, उसी में दाहिनी तरफ से लेकर के और इस तरह से, मतलब आपको पता नहीं टीप उल्टा लग रहा हूँ मगर वही है कि जैसे घड़ी चलती, जैसे हम आरती करते हैं भगवान की वैसी तरह से 21 बार उतारने के बाद उसको घर की देहरी पे लग के 4 टुकड़े काटना है, 4 टुकड़े काट के 4 टुकड़े अलग अलग दशा में फेंकते हैं, ठीक है साहब। और एक चीज़ और है, कुंडली में भी आपको मालूम पड़ सकता है ये सब चीज़ें, अगर कुंडली सही तरह से आप देखेंगे तो आपको अष्टम भाव पीड़ित लगेगा, पंचम भाव पीड़ित लगेगा, लगन पीड़ित लगेगी, लगन में भी मतलब लगन पहला अवस्थान होता है शरीर का, तो वो भी पीड़ित लगेगी, तो उन दोनों में पाप ग्रह होंगे या पाप ग्रह का प्रभाव होगा उस समय पर। तो ये सब चीज़ें इससे मालूम पड़ जाता है, आपका लग्नेश कमज़ोर होगा, तंत्र बाधा जिस पर ज़्यादा होती है उस पर उसका लग्नेश कमज़ोर होने पर ही तंत्र बाधा होती है। लग्न यानी जो अपना प्रथम स्थान, अपना खुद का शरीर का स्थान, वो लग्न कहलाता है, ठीक है। मैं ज्योतिष के हिसाब से भी ये सब चीज़ें पता लगाता हूँ मित्रों, लेकिन आप लोगों से मैं ज्योतिष की सलाह कम दूंगा क्योंकि इसमें मेरी कॉस्ट ज़्यादा होती है औरों से, तो फालतू में ना पड़े मैं वैसे ही बता दूंगा आपको बिना उसके, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसके में ज़्यादा मामला लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं मुझे आदत नहीं है कि किसी का कॉन्टैक्ट कर दूँ, फिर मैं उसके पूरे डीप में जाकर डिटेल निकालता हूँ। और देखिए बसीकरण के रोगी होते हैं उनकी एक चीज़ और बताऊँ, उनको सपने भी विचित्र आते हैं, उनकी आंखें भारी रहती हैं, उनके मन में उसी व्यक्ति के लिए बार बार विचार आएगा जिसने अपने नाम से सम्मान उसके लिए करवाया होगा, उसी व्यक्ति के बारे में विचार आएगा
अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है किसी को आप भूल नहीं पा रहे हैं, बुरी तरह से वो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी, भले ही वो आपका प्रेमी हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, तो समझ लीजिए कि हाँ कहीं ना कहीं बस ये घर का मामला बनता है या तो हुआ है। और एक बात और है, सम्मोहन आकर्षण की देवी देवी माता भुवनेश्वरी भी है, तो भुवनेश्वरी का जो मंत्र होता है ओम एम ह्रीम भुवनेश्वरी स्वाहा, ओम एम ह्रीम भुवनेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र को भी 11 माला करने के बाद, 11 माला के इस मंत्र की करें और एक लड्डू प्रसाद में लगाएं, उस लड्डू में से थोड़ा सा लेकर के उस रोगी को उसी मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मार के खिला दें, ठीक है। और यही मंत्र उसके ताबीज, एक उसका एक भोजपत्र पर ताबीज बनाएं अनार की कलम से, अष्टगंध से, उस ताबीज में उसका ह्रीम मंत्र खाली भुवनेश्वरी का लिख करके उसको फोल्ड करके उसको एक चांदी तांबे के या फिर किसी भी एक ताबीज में उसको पहना दें, तो उससे बशीकरण से वो कटने लग जाएगा और उसका सुरक्षा कवच भी हो जाएगा जी। और देखिए बशीकरण में तो आपको मालूम पड़ना ही बहुत, मतलब उस ये केवल उसी को मालूम पड़ता है जिस पर बशीकरण होता है। देखिए आप लोग तो ये कहेंगे कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन बशीकरण का जो शिकार होता है ना उसको महसूस होता है ये चीज़ खुद कि उसके ऊपर मतलब दबाव सा रहता है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता, उसके अलावा जिसने बशीकरण किया उसी की तरफ जाने का मन करेगा उसको बार बार, तो वो सब चीज़ें बशीकरण की होनी चाहिए, होती हैं। और इन बशीकरण के प्रयोग होते हैं ज़्यादातर खिलाने से होते हैं, जो ज़्यादा जल्दीबाजी में झटके में लेकर के उत्सुकता में किसी के हाथ की कोई चीज़ खा लेते हैं ना उन पर बहुत आसानी से बशीकरण हो जाता है, बहुत आसानी से बशीकरण। पैर को लांग जाते हैं किसी चीज़ को, पैर के नीचे रखी हो तो लांग गए ना हम नींबू वगैरह या किसी चीज़, तो उससे भी बशीकरण हो जाता है। पैर की मिट्टी उठा करके उसका पुतला बनाने से भी बशीकरण हो जाता है। आपके बाल होते हैं ना, बाल बाल तोड़ करके अगर आपके 3 बाल किसी के पास चले गए तो उसको गांठ लगा के उसको ही बशीकरण कर सकता है वो। आपके जो हाथों के नाखून होते हैं ना, नाखून काट के जो आपने अगर अगर सबरे 10 उंगलियों के नाखून काट करके कहीं डाल दें तो उससे ही बशीकरण हो जाएगा। नाखून का जो मैल होता है ना उससे बशीकरण होता है निकाल करके। बशीकरण के बहुत विद्या है, बशीकरण एक तरह से नहीं होता, मैं आपको बशीकरण के मतलब 50 प्रकार बता सकता हूँ जिससे बशीकरण हो जाता है। आपके जो शरीर का मैल होता है ना ये निकलता है जो, ये इससे बशीकरण हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ नाखून अगर काटो तो नाखून काटने के बाद कागज़ में रख के उसको थूक मार दो, उस पर कर दो और फिर उसको फेंक दो कहीं भी, फिर कुछ नहीं होगा। बाल भी अगर, बाल भी ऐसे लेडीजें काटती हैं ना बशीकरण जब उन करना होता है तो उन बालों को ले लेता है आदमी, तो उन जब बाल काटती हैं तो उनको बालों को गुच्छा बना के उन कर देना चाहिए, थूक मार देना चाहिए थोड़ा सा, तो बशीकरण के लायक नहीं रहते, किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहते फिर वो। ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों, अगर आप माने ना माने कितने भी आदमी की जिद में चले जाना मित्रों, इन चीज़ों से नहीं बच पाएंगे। विज्ञान इसके आगे फेल है, विज्ञान ये नहीं समझ पाता कि ये होता कैसे है, तो वह सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें होती है मित्रों क्योंकि आजमाया हुआ है मैंने। जो आदमी कभी किसी को जानता भी ना हो, अच्छी तरह से मानता भी ना हो, उससे नफरत करता हो, अचानक उसके जिस दिन बशीकरण हो किसी का उसी दिन से उसके दिल में प्यार आ जाए, तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाएंगी? विज्ञान नहीं मान हो सकता है, ये विज्ञान में नहीं है ये सब चीज़ें। बशीकरण के मतलब बहुत कुछ, बशीकरण का प्रयोग बहुत लंबा कुछ चौड़ा है मित्रों, इसमें आप जो समझ लीजिए इतने वो हैं कि आप जिनको समझ नहीं सकते। तो हनुमान जी भी बशीकरण में हमारे बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब बचाने के लिए। बजरंग बाण पढ़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति लें, ठीक है, और एक थाली में रखें, और मित्रों बजरंग बाण पढ़ते हुए उस पर पानी की धार मारते रहें, एक बूंद डालते रहें। पूरी बजरंग बाण जब हो जाए तो उस पानी को जो भगवान को नहलाया हुआ, हनुमान जी को स्नान कराया हुआ, अभिषेक किया हुआ, उसको बशीकरण के रोगी को पिला दें, 7 दिन में टोटका कटने लग जाएगा आराम से। यह अचूक प्रभाव है। हनुमान जी की मूर्ति ले लें बजरंग बाण का, और इसमें हनुमान चालीसा भी पाठ कर सकते हैं आप चाहें तो। बजरंग बाण का नहीं आपको हो रहा है तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, पढ़ने के बाद पूरी पढ़ लें तब तक पानी टपकता ही रहे उसके ऊपर, उसके बाद उस रोगी को उस पानी को किसी भी बहाने से पिला दें तो वो रोगी का वो कटने लग जाएगा आपका। और मित्रों हर चीज़ की एक काट तो होती है भाई, ये तो पक्की है, हर चीज़ का एक उपाय होता है हर एक का। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं खुद अपने हाथ से, और उसके पैरों का मतलब मूर्ति के पैरों का और कंधे का सिंदूर ला करके टीका लगाएं अपने सिर पे, अपने माथे में अंदर, अपने गले में, इस तरह से टीका लगाएंगे तो बशीकरण कटने लग जाएगा। हनुमान जी के लिए हनुमान जी का एक मंत्र जी भी है बशीकरण काटने के लिए,
ओम बल सिद्धि कराए नमः, ओम वज्र वज्रकायाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम रक्षो विध्वंस कराए नमः, और क्या है, ओम सर्व रोग हराय नमः। ये है, दोबारा बोल देता हूँ आपको समझ में आ जाए। ओम बल सिद्धि कराए नमः, ओम वज्रकायाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम रक्षो विध्वंस कराए नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। इस मंत्र को अगर 11 या 21 बार रोज पढ़ करके पानी पिए फूंक मार के, तो उससे पसीना कटने लग जाता है। बहुत चीज़ें हैं मित्रों संसार में, बहुत गंदी गंदी विद्याएं फैली हुई हैं। इन सबको बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप हमेशा एक सूर्य बन पाइए तांबे का, ठीक है? सूर्य बन पाइए तांबे का। अब उसको जगाएंगे कैसे, उसको जगाएंगे कैसे, अब आप उसको कैसे जगाएंगे, इसको इस तरह से जगाएंगे मित्रों कि सूर्य नारायण से तांबे के बन पाइए अच्छे से, और सूर्य नारायण की पूजा कीजिए। आप पूजा कैसे, मतलब माला, मतलब एक माला ले आइए और लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें दो बूंद गंगा जल डाल दीजिए अगर हो तो, दो बूंद गंगा जल डालने के बाद सूर्य नारायण का अभिषेक करें, सूर्य नारायण का अभिषेक करें। सामने सूर्योदय के समय का ही अभिषेक माना जाएगा इसमें, बिल्कुल उदय हो रहे हैं उस समय का ही। और वो करने के बाद आप उनका अभिषेक करने के बाद उस यंत्र को उस पानी से ही छींटे मारें, अभिषेक किया जिससे, और सूर्यनारायण के सामने बैठ करके ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की 3 माला या 11 माला जाप करें, आराम से हो जाएगी। और ये करने के बाद उस यंत्र में फूक फूक मारें और उसको आंखों से लगाएं, ठीक है? और यंत्र में याद रखना है मित्रों, टंगाने के लिए लॉकेट भी होना चाहिए, और यंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही होना चाहिए ताकि गले में नहीं तो बढ़ियों बड़ा दिखेगा। इतना बड़ा सूर्यनारायण भाई ऐसा नहीं है। कुछ लोग बनवा लेते, मैंने देखा, मैंने कहा था तो वो बनवा के ले आया था, इतना बड़ा, लेकिन भाई साहब कितना बड़ा है, अच्छा है। मैंने कहा अब ऐसे पैर के डोलना बेटा गले में घंटी मार के, तो बोला क्या मतलब, मैंने कि मैंने कहा था इतना मन माना छोटा सा सुनार तो कैसे ही बना देगा, जितना कहोगे उतना। तो उसने, हमने तो कह दिया था बड़ा सा सूर्यनारायण बना दे, तो मैंने कहा ऐसा नहीं कहना था। तो इस तरह का छोटा सा बन पाया, और उसमें ऊपर जगह लें उसमें ताकि लॉकेट के रूप में पहन सकें, उसमें लाल धागा लगाएं, लाल धागा लगा के उसे पहन लें। दशीकरण का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं होगा आप पर, जिससे दे मतलब समझ लीजिए, आप दशीकरण का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। सूर्य नारायण की पूजा करने वाले पर दशीकरण बहुत कम प्रयोग कर होता है, चाहे कोई भी कर ले। ये कई जगह की अनुभव है, हनुमान जी की, अगर हनुमान चालीसा बजरंग बाण प्लस राम जी का पाठ चल करता होगा कोई, तो उसमें वशीकरण नहीं होता है, लेकिन उसमें राम जी का पाठ जरूर होना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जिन पर वशीकरण नहीं होता है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बच्चे मंत्र है ना, नवायण मंत्र, तो नवायण मंत्र की 31 माला करिए आप, नवायण मंत्र की 31 माला रोज़ करिए 3 दिन तक, और पानी फूक फूक के रोगी को पिलाइए 31 माला करने के बाद, वशीकरण 3 दिन में कट जाएगा, 3 दिन में कट जाता है वशीकरण। कैसी भी प्रेत बाधा सता रही हो, कैसी भी प्रेत बाधा सता रही हो, आप पहले करिए काल भैरव का मंत्र, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः, ठीक है? 3 माला, उसके बाद नवाण मंत्र 3 माला, ठीक है? संजय वाली ओम एम लिम लिम चामन डाय बच्चे, 3-3 माला करने के बाद पानी को फूक करके और रोगी को पिलाइए, 7 दिन में सारा वशीकरण, सारा तंत्र, सारी हड़िया मड़िया सब निकल जाएगी, ठीक है मित्रों? ये छोटी सी मैंने जानकारी दी थी। इसमें सबसे बढ़िया काम करता है, छोटा सबसे जल्दी काम करने वाला प्रयोग है नींबू का। नींबू उतारिए, तुरंत राहत मिलेगी, उसी समय आदमी ठंडक महसूस करेगा। और दूसरा एक और प्रयोग है कि रोगी के 11 जायफल लाइए, और रोज़ रोगी के ऊपर से शाम को एक जायफल उतार करके जलाइए, उसे कपूर पर रख के, और कंडे पर रख के, कपूर कंडे पर दोनों पर रख के जलाइए उसे, आपके 11 जायफल तक जलते जलते तक वो रोपस्वीकरण हट जाएगा। 21 बार उतारना है आपको इस तरह से पूरा, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस तरह से वशीकरण कट जाएगा 11 दिन के अंदर। ये वशीकरण काटने के बहुत आसान टोट के बताए मैंने आपको, बड़े प्रयोग भी होते हैं वशीकरण काटने के, बहुत बड़े बड़े प्रयोग भी होते हैं, बाद में आपको बताऊंगा। जब ज़्यादा वशीकरण हो जाता कटता नहीं है, तो बहुत बड़े प्रयोग भी होते हैं, लेकिन इससे अमूमन कट जाते हैं हर वशीकरण। ये ऐसी चीज़ दी है मैंने आपको, ये ऐसी जानकारी दी है जय माता रानी की। अब 1-2 दिन में बढ़िया बढ़िया 2-3 वीडियो और डालूंगा मैं, अभी थोड़ा ब्याज हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।